अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के रोड शो पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर ने अपने रोड शो के दौरान कार के बंद शीशे रखकर लोगों से मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि अब लोगों को ये देखना होगा कि वे धूप से तपने वाले आदमी को सांसद बनाना चाहेंगे या फिर गाड़ी में बंद शीशे से रोड शो करने वाले को। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के रोड शो पर अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि रामलाल ठाकुर ने अपने रोड शो के दौरान कार के बंद शीशे रखकर लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि लोगों को देखना है कि धूप में तपने वाला सांसद चाहिए या गाड़ी में बंद शीशे कर रोड शो करने वाला सांसद, ये फैसला जनता को करना है। उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर ने 40 दिन के कैंपेन में उपलब्धियां तक नहीं बता पाए हैं। 40 सालों में कुछ ना किया हो और अपने पिछले 40 दिन की कैंपेन में अपनी चार उपलब्धियां ना बता पाया हो, वो बंद शीशे की गाड़ी में घूमेंगे, एसी ऑन करके घूमेंगे, ना उन्होंने पहले कुछ किया ना आज कुछ करेंगे। और दूसरी बात मैं कहूँ, मैंने तो बिलासपुर में, घुमारवी में, जाहू में और सारे पांचों के पांचों विधानसभा क्षेत्र में पैदल भी और तपती धूप में भी लोगों का आशीर्वाद भी लिया और पिछले 5 सालों में तप तप कर अपने संसदीय क्षेत्र का विकास भी किया है। जनता को देखना है कि तपने वाला विकास करने वाला चाहिए या वोट लेकर दूर भागकर शीशों में बंद रहने वाला चाहिए।